बिजली की ढेर सारी समस्याओं को लेकर आज पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल कांग्रेस नेताओं के साथ विद्युत विभाग कार्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि ऊर्जा मंत्री के अंदर इतनी ऊर्जा है कि वो स्वयं ही खंभे पर चढ़ जाते हैं और जो काम कर्मचारियों को करना चाहिए वो खुद करते हैं। उन्होंने कहा भाजपा में जो जाता है वो अपना मानसिक संतुलन खो देता है। कांग्रेस पार्टी लगातार विद्युत की समस्याओं को उठा रही है। धरना प्रदर्शन ज्ञापन व सभाओं में जले ट्रांसफार्मर, बिजली के बिल, टूटे खंभे, तार सहित पर्याप्त बिजली न मिलने की बातें आती है। आज एक बार फिर इन्हीं मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन मुख्य अभियंता कार्यालय परिसर में पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल के नेतृत्व में किया जा रहा है। पूर्व मंत्री ने वर्तमान सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका पूरा बिंद विद्युत समस्याओं से परेशान है। उनके विधानसभा क्षेत्र में आज की तारीख तक 73 ट्रांसफार्मर महीनों से जले पड़े हैं। उन्होंने कहा कि ये हाल सब जगह है, मनमानी विद्युत बिल, टूटे खंभे, तारों की मरम्मत नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार थी तो हमने नींद बनाई थी कि 7 दिनों के अंदर ट्रांसफार्मर चेंज किया जाएगा, खंभे और तार का मेंटेनेंस 1 रुपये यूनिट बिल लिया जाएगा, लेकिन रीवा में सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी के होने के बाद भी सबके मुंह में दही जमा हुआ है। उन्होंने कहा ऊर्जा मंत्री में इतनी ऊर्जा है कि वो स्वयं खंभे में चढ़ जाते हैं, सफाई करने लगते हैं, जबकि ये काम अधिकारियों कर्मचारियों से करवाना चाहिए। उन्होंने कहा भाजपा में जाने वाले लोग मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उन्होंने पूर्व नेता अजय सिंह व नरोत्तम मिश्र की मुलाकात पर कहा कि ये उनका आपसी मामला है, पक्ष और विपक्ष हमेशा एक दूसरे से मिलते रहते हैं। आइए सुनते हैं इस संबंध में कमलेश्वर पटेल पूर्व मंत्री कांग्रेस से प्राप्त जानकारी के अंश। देखिए पूरे बिंद रीजन में बिजली की भारी किल्लत है, लोग बहुत परेशान है, महीनों से ट्रांसफार्मर जले है। हमारे सिहावल विधानसभा क्षेत्र में ही आज की डेट में 73 ट्रांसफार्मर जले हुए हैं और ये 4 महीने, 6 महीने, 2 महीने से जले हुए हैं। समय पे बारिश नहीं हो रही है, बिजली मिल नहीं रही है, बिजली बिल की वसूली जारी है, अवैध मनमानी वसूली जारी है। जहाँ ट्रांसफार्मर जले हैं वहाँ भी बिल जा रहा है, मीटर रीडिंग लेने के लिए जाता नहीं है, मनमानी बिलिंग हो रही है। कहीं खंभा टूट गया है, कहीं तार टूट गया है, महीनों से बिजली बाधित है, उस पर सरकार का ध्यान नहीं है, सिर्फ पैसा वसूलने में लगे हैं। ट्रांसफार्मर जला है, बदलने के लिए समय सीमा सुनिश्चित है। हमारी सरकार थी, हम लोगों ने नीति बनाई थी, 10 हॉर्स पावर तक किसानों का बिजली का बिल आधा किया था, टेम्परेरी कनेक्शन का शुल्क आधा किया था, 1 रुपये 1 यूनिट बिजली की थी घरेलू, 24 घंटे घरेलू बिजली देने का प्रावधान किया था, 10 घंटे खेती किसानी के बिजली देने का प्रावधान किया था, 7 दिन के अंदर ट्रांसफार्मर बदलने की नीति बनाई थी, 10% भी अगर उस संबंधित ट्रांसफार्मर का बिल जमा है तो ट्रांसफार्मर बदलने की नीति बनाई थी। पैसा जमा है, बिल जमा है, उसके बाद भी लोग परेशान हैं, कब बिजली आती है कब जाती है पता नहीं है, अधिकारियों का कुछ पता रहता नहीं है, कर्मचारी है नहीं, यहाँ तक कि बिजली विभाग में जो मीटर रीडर है जो उनका कई महीनों से भुगतान नहीं हो रहा है, सब संविदा कर्मचारी है, रेगुलर कर्मचारी है नहीं, कर्मचारियों की भर्ती हो नहीं रही है। ये कैसे सरकार चल रही है, सिर्फ भाषणों में चलती है। थोड़े दिन सरकार नहीं थी शिवराज सिंह चौहान की, बोलते थे हम खंभे में जुड़ जाएंगे, कोई बिल नहीं जमा करने, होली जला रहे थे। आज ये नोटिस आ रहा है लोगों को, किसी को 10,000, किसी को 20,000, किसी को 25,000, किसी को 5,000, और बिजली मिल नहीं रही है। कोरोना संक्रमण काल के समय में लोग घरों में दुबके रहे, सब काम धंधे चौपट हो गए। सरकार की तरफ से ऐसे समय में मदद करना चाहिए, चाहे वो छोटे दुकानदार हो, चाहे घर गृहस्थी की बिजली हो, चाहे खेती किसानी की हो, पर सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। पूरी तरह से लूट खसोट मची हुई है, सरकार भी असंवेदनशील हो गई है और बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी असंवेदनशील हो गए हैं। इसीलिए हमने अनिश्चितकालीन यहाँ पर धरना आज शुरू किया है। देखते हैं सरकार का क्या रवैया रहता है, बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का क्या रवैया रहता है, क्या व्यवस्था बनाते हैं, क्योंकि हम सब विपक्ष में लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम सरकार को जगाएं। अगर सरकार सो रही है, सरकार में बैठे अधिकारी कर्मचारी सो रहे हैं, मंत्री मुख्यमंत्री सो रहे हैं, तो विपक्ष के जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है कि जनता को लाभ दिलाने के लिए। ये पूरे जिले में, पूरे संभाग में ये स्थिति है,
और हम कहते हैं हजारों की संख्या में ट्रांसफार्मर जले, ट्रांसफार्मर है उसके बाद भी नहीं बदले जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये समझ से परे है। जो लापरवाही करेगा उस पर कार्रवाई करूंगा, तमाम दौरे भी किए, यहाँ विजिट किया अलग अलग जगह पे। ऊर्जा मंत्री जी का तो समझ में ही नहीं आता है, उनके अंदर ही इतनी ऊर्जा है कि वो खुद ही खंभे पे चढ़ जाते हैं, खुद ही नाली साफ करने लगते हैं, जो काम अधिकारी कर्मचारियों से कराना चाहिए। तो ये सब जो लोग भी है भारतीय जनता पार्टी में जाके ये भी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, और मुख्यमंत्री जी का तो कोई भरोसा ही नहीं है। भाषण भर सुनिए, भाषण सुन लीजिए, ये हम बिजली 24 घंटा देंगे, सारी सुविधाएं कर देंगे, सुविधा के नाम पे जीरो है। पर आज जो स्थिति पैदा कर दी है, अब भाजपा के नेताओं के मुंह में तो दही जमी हुई है, इतने सारे विधायक हैं, यहाँ तो हमारा कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है, किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है। एक बार जरूर एक विधायक बैठ गए थे बिजली ऑफिस में, वो सेटलमेंट के लिए बैठे थे, क्यों बैठे थे पता नहीं। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता अजय सिंह राहुल का संपर्क लगातार बीजेपी से चल रहा है, मध्य से चल रहा है। देखिए ये उनका अपना व्यक्तिगत रुचि अभिरुचि मिलने जुलने का, ये सबको हमेशा रही है, पक्ष विपक्ष आपस में मिलते हैं, ये कोई विषय नहीं है। विषय अभी जो हम जिस बात को लेके यहाँ पे बैठे यही विषय है कि जनता को न्याय मिले, जनता जिस समस्या से परेशान है उससे निजात मिले, और हम विषय को विषयांकित भी नहीं करना चाहते। उनका एक मतलब लेटर मेरे पास में आया था माननीय विधायक जी का इस सब बारे में, तो हमने कार्रवाई करी है उसमें, वो हमने उनको एक पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया गया था कि हमने कितने ट्रांसफर बदले हैं पूरे रीवा रीजन में, और बाकी के जो काम हैं उनके लिए भी हम लोग शिविर लगाते हैं कि किसी का बिल में गड़बड़ी है तो उसको ठीक करते हैं, और जो टेढ़े मेढ़े पोल हैं उनको भी ठीक करने का काम किया गया है। करीब 103 पोल जो है ना वो ठीक किए गए हैं, तो ये सही कार्रवाई ही हम लोग करते हैं और लगातार सतत हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे, क्योंकि हम लोग का तो काम है बिजली की व्यवस्था को ठीक बनाए रखना। और जैसे जैसे ट्रांसफार्मर के बारे में एक्चुअल में ये रहता है कि उस पर जो एलिजिबल ट्रांसफर रहते हैं और नॉट एलिजिबल ट्रांसफर, तो जैसे जैसे ट्रांसफार्मर पर पैसा जमा हो जाता है तो उसको हम लोग तत्काल बदलने की कार्रवाई करते हैं।